सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आप सब लोगों को बता दूं कि लगभग 80 वीडियो अपने शिक्षा शास्त्र के अपलोड हो गए हैं और जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग अपने जो वीडियोस हैं इनके ही क्वेश्चंस को कॉपी करके और डाल रहे हैं। चूँकि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि YouTube पर उसी व्यक्ति से पढ़ें जिसका कहीं सिलेक्शन हुआ हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रहेगा, उसे पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई वहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो जिनका सिलेक्शन तो ठीक है, जिन्हें पढ़ाई से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, केवल व्यूज़ के चक्कर में, और वो लोग ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं और उनके डले हुए हैं। मैंने देखा है कई चैनल्स ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें और ऐसा ना हो कि बिना उसके आपका टाइम व्यर्थ जाए। और कोशिश यही करूँगा कि जितना अच्छा हो सके आप लोगों के लिए करूँ। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन कर लें, लगभग वहाँ पर 1700 लोग इकट्ठे हो गए हैं और आप लोगों के कहने पर ही इस प्रकार का एक ग्रुप चालू किया गया था। टेलीग्राम पर आप लोगों ने ही बोला था कि सर टेलीग्राम पर आप PDF दिया करें, तो वहाँ बहुत सारी PDF हैं। चूँकि परीक्षा लेट हो गई है MP वर्ग 3 और CTET, तो थोड़ी सी दिक्कत है अपन को, लेकिन आप पहले जो पहले के SMS हैं नीचे जा कर के, और वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि मेरा भी यही है कि जब तक अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है मेरी, अभी वर्ग 1 की काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, तो तब तक तो अपने वीडियो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। उसके बाद फिर पता नहीं कब वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा या फिर और भी बहुत कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जब तक अभी फ्री हूँ प्रतिदिन 1-3 वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी तैयारी करते रहें। देखिए, मुझे पता है कि डेट ऐसी ही रहेगी, कहीं 2 महीने फिर टल जाएगी, कहीं 3 महीने फिर टल जाएगी, लेकिन परीक्षा तो होनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी ये वर्ग 3 की जो है ये डेट टल जाए, बिल्कुल मुश्किल है। और कैंसिल होने की जो चर्चाएं आप लोग सुनते हैं वो तो बिल्कुल छोड़ ही दें, क्योंकि कोरोना जैसे ही थोड़ा बहुत कम होता है, या फिर कोरोना कम का क्या कहें, जब बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर हो रही हैं, अभी एक रैली में मैं भी गया था जहां 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे मेरे गाँव में ही, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, बड़े बड़े नेता थे वहाँ पर, BJP के उमा भारती जी थी, 10,000 की पब्लिक थी। तो वहाँ जब कोरोना का डर नहीं है तो परीक्षाएं कराने में कैसा डर। तो यदि चाहें ये लोग तो 3 महीने के अंदर ये परीक्षाएं संपन्न करा सकते हैं। और मुझे लगता भी है कि यदि बसें चलना शुरू होती हैं तो परीक्षा का ऐसा कोई उपक्रम रचा जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पे हैं, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी हो, तो कुछ ना कुछ तो नया करने की फिराक में होंगे ये लोग। तो आप लोग अपनी तैयारी करें, क्योंकि किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार यदि परीक्षा हो गई और आपकी तैयारी नहीं हुई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखें, पेपर कभी भी हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों ने जो 2011 के बाद अभी 2020 में परीक्षा दी है, मेरी BEd हो गई थी 2013-14 में, तो आप सोचें कि कितना लंबा टाइम हम लोगों ने निकाला होगा। तो ऐसे ही आप लोगों का है, आपका तो अभी ये कहें कि आवेदन हो चुके हैं, तो परीक्षा के पूरे चांस हैं, 1 साल के अंदर अंदर होगी, तो आप उतने में अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लें कि बहुत बढ़िया हो। आप लोगों को लग रहा है अभी कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब कंपटीशन देखते हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे लोग, और जो जिनका वर्ग 1 में चयन रुक गया है 1 नंबर से 2 नंबर से, और जिनका वर्ग 2 में चयन रुका हुआ है, जो आप सोचें सामाजिक और विज्ञान, सोशल साइंस और साइंस वालों में कितने इंटेलिजेंट लोग ना होंगे जिनका सिलेक्शन रुका है, तो वो वर्ग 3 में भी आएंगे, तो उनसे कंपटीशन है आपका। इतनी तैयारी करना है आप लोगों को, ध्यान रखें आप लोग, जितना टाइम मिलता है मैं मानता हूँ उतना बहुत अच्छा है आपको, तो तैयारी पर पूरा ध्यान दें और जितना ये टाइम मिल रहा है इसका सदुपयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, एकस्मिन समये एकमेव कौशलम प्रशिक्षयते, मतलब कि एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, आगे चलते हैं।
अभ्यासस्य प्रक्रियायाम नियंत्रणम क्रियते, अभ्यास की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, यहाँ पर यह भी ठीक है। पृष्ठपोषणस्य प्रभावम विकसति, बिल्कुल पृष्ठपोषण का विकास भी होता है यहाँ पर, प्रभाव का को विकसित किया जाता है। और दिया हुआ है उपर्युक्त सर्वे, तो उपर्युक्त सर्वई जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, कि उपर्युक्त में सभी, तीनों के तीनों ठीक हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। आगे चलते हैं, दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली जो है ये अति उपयोगी है, तो किसके लिए अति उपयोगी है ये प्रणाली? शिक्षकस्य व्यवहारं विकसितुम, शिक्षक के व्यवहार को विकसित करने के लिए, छात्रस्य व्यवहारं विकसितुम, छात्रों के व्यवहार को विकसित करने के लिए, या फिर भाषायाः ज्ञानाः ज्ञानाय, भाषा के ज्ञान के लिए, या फिर विज्ञानस्य ज्ञानाय विज्ञान के ज्ञान के लिए। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है ये विज्ञान के ज्ञान के लिए तो है नहीं, भाषा के ज्ञान के लिए है, लेकिन ये भी ज़्यादा पॉइंट ठीक नहीं है, क्योंकि और ही इसका पर्पज है। आगे दिया है छात्रस्य व्यवहार विकसितुम, तो ये छात्र तो कोई यहाँ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि छात्रों के लिए तो ये है ही नहीं। पहला ऑप्शन है शिक्षकस्य व्यवहारम विकसितुम, शिक्षक के व्यवहार को विकसित करने के लिए है। और कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है, कस्याम कृते सूक्ष्म शिक्षण, हाँ किसके लिए है सूक्ष्म शिक्षण, तो स्पष्ट ऑप्शन में होगा कि शिक्षक के लिए। आगे चलते हैं, उसका पहला रहेगा सही। आगे चलते हैं, केन नियमानुसारेण सर्वप्रथमं सरल शब्दान वाक्यान मुहावरान गीतान च पाठयेत, तदनंतरम विषयस्य कठिन भागान पाठयेत। देखिए केन नियमानुसारेण, मतलब कि किसके नियम के अनुसार प्रथमम, पहले क्या करना है, सरल शब्दान, सरल शब्दों को, वाक्यान वाक्यों को, मुहावरान मुहावरों को, गीतान च दिया हुआ है तो यहाँ च लगा लेंगे, और गीतान मतलब गीतों को, पाठयेत पढ़ाया जाना चाहिए, तदनंतरम विषयस्य कठिन भागम पाठयेत, तद अनंतरम, तत मतलब उसके, अनंतर मतलब बाद में, विषयस्य विषय के कठिन भागान कठिन भाग को पाठयेत पढ़ाएं, मतलब पहले तो ये आसान सी चीज़ें पढ़ाएं और फिर उसके बाद में क्या करें, कठिन विषय को पढ़ाएं, या फिर जो कठिन भाग है उस पाठ का उसको पढ़ाएं। तो किसके नियम के अनुसार होगा, विशेषात सामान्यम प्रति, विशेष से सामान्य की ओर, सरलतायाः कठिनम प्रति, सरलता से कठिन की ओर होगा, या फिर ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, या फिर विश्लेषणात संश्लेषणम प्रति, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा सरलतायाः काठिन्यम प्रति, सरलता से कठिनता की ओर, ये रहेगा सही उत्तर जो सेकंड दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षकः सर्वप्रथमं विषय वस्तुम विश्लेषणम, मतलब कि शिक्षक जो शिक्षक है सबसे पहले, सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले, विषय वस्तुम विषय वस्तु का, विश्लेषणम मतलब विश्लेषण, तो शिक्षक सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण करता है, कैसे करता है, पृथक पृथक कृत्वा कुर्यात, पृथक पृथक मतलब होता है अलग अलग, कृत्वा मतलब होता है करके, कुर्यात मतलब करता है, तो अलग अलग करके करता है, कुर्यात मतलब करे, या फिर संपूर्णम एव कुर्यात संपूर्ण ही करे पूरा करे, या फिर केन अपि प्रकारेण कुर्यात किसी प्रकार से करे, केन मतलब किसी, अपि मतलब भी, प्रकारेण मतलब प्रकार से, या फिर व्याकरणम पाठनम कुर्यात व्याकरण को पढ़ा करके करे, तो शिक्षक सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण कैसे करे ये बताना है, तो सही क्या रहेगा, पृथक पृथक कृत्वा कुर्यात, पृथक पृथक करके करे, जो सबसे पहले कर रहा है ना विषय वस्तु का विश्लेषण, इसलिए। आगे चलते हैं, बालकान मानसिकम स्तरम पर्याप्तम विकसितम न भवति, क्या कह रहे हैं, बालकान मानसिकम स्तरम पर्याप्तम विकसितम न भवति, बालकों का जो मानसिक स्तर है वो पर्याप्त विकसित नहीं होता है, तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, मूर्त धारणा नाम ज्ञातुम, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, ध्यान से अमूर्त लिखा है, अमूर्त धारणा धारणा नाम ज्ञातुम, अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए, मूर्त धारणा नाम ज्ञातुम, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, ए और बी उभयोः, ए और बी दोनों के लिए, या फिर उपर्युक्ते ना कोपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो बालकानां मानसिक स्तरं पर्याप्तं विकसितुं न भवति, पर्याप्त विकसित नहीं होता है, अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, उपर्युक्त दोनों, या फिर
क्या लिखा हुआ है? ना कॉपी उपर्युक्त, ना कॉपी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो उनका मानसिक स्तर होता है ये अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए विकसित नहीं होता है। मूर्त धारणाओं को तो जान लेता है लेकिन अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए विकसित नहीं होता है। आगे, लक्ष्यम प्रति अग्रसराय अति आवश्यकम अस्ति। लक्ष्यम प्रति अग्रसराय मतलब लक्ष्य के लिए अग्रसराय, आगे जाने के लिए अति आवश्यक क्या है? तो लक्ष्य की ओर आगे जाने के लक्ष्यम प्रति, जब प्रति शब्द यहाँ पर लग जाए तो ओर होगा इसका अर्थ, क्या होगा? ओर। तो लक्ष्य की ओर अग्रसराय मतलब अग्र मतलब होता है आगे, अग्रसर मतलब आगे की ओर। तो लक्ष्य की ओर आगे जाने के लिए अति आवश्यक क्या है? पाठनम पढ़ना, पाठन मतलब पढ़ाना कह सकते हैं, पढ़ना। सफलता, लेखनम या फिर रुचि ही। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ध्यान से, लक्ष्य के प्रति आगे जाने के लिए आवश्यक है क्या है? तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, सफलता, ये आवश्यक है। आगे चलते हैं, भाषायाः शिक्षणम् कुर्यात्। भाषायाः शिक्षणम् कुर्यात्, भाषा का शिक्षण करें, कैसे करें मतलब किस प्रकार से होना चाहिए भाषा का शिक्षण? बालकस्य स्वभावानुसारेण, बालकों के स्वभाव के अनुसार हो, पहला ऑप्शन है। बालकस्य क्षमतायाः अनुसारेण, बालक की क्षमता के अनुसार हो। बालकस्य स्तरस्य अनुसारेण, स्तर के अनुसार हो। या फिर उपर्युक्ताः सर्वे मतलब उपर्युक्ताः सर्वैः मतलब सभी। तो क्या कह रहे हैं, सही उत्तर क्या रहेगा? भाषायाः शिक्षणम् कुर्यात्, भाषा का शिक्षण हो, कैसे हो? देखिए यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन जो हैं सही लग रहे हैं, और आप लोग भी एक बार ध्यान से देख लें चारों ऑप्शन। देखिए, बालक के स्वभाव के अनुसार हो, बालक की क्षमता के अनुसार हो, और बालक के स्तर के अनुसार हो, तो उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं, भाषा शिक्षणाय विशेष रूपेण करणीयम, मतलब कि भाषा के शिक्षण के लिए विशेष रूप से करना चाहिए या फिर करना करने योग्य है। क्या करने योग्य है? तो अभ्यासम अभ्यास करने योग्य है, पुनरावृत्तिम पुनरावृत्ति करने योग्य है, साहचर्यम साहचर्य करने योग्य है, या फिर वाचनम वाचन करने योग्य है। तो भाषा के शिक्षण के लिए विशेष रूप से करणीयम, विशेष रूप से करने योग्य है। क्या करने योग्य है? भाषा शिक्षणाय, भाषा के शिक्षण के लिए। क्या होगा सही उत्तर? पुनरावृत्तिम, पुनरावृत्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है विशेष रूप से। आगे चलते हैं, भाषा कौशलाः संति, भाषा कौशल हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? भाषा कौशलाय संति, ऑप्शन देख लेते हैं ध्यान से क्या क्या दिए हुए हैं। भाषा कौशलम संति, भाषा कौशल हैं, श्रवण भी है, वाचन भी है, पठन लेखन भी है, एते सर्वैः, ये सभी के सभी हैं, चौथा हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, अभ्यासम आवश्यकम अस्ति, अभ्यास आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है अभ्यास? कला पक्षस्य विकासाय, कला पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है। भावात्मक पक्षस्य विकासाय, भावात्मक पक्ष के विकास के लिए है आवश्यक। या फिर उभयोः, ए और बी, उभयोः, उभय मतलब होता है दोनों, इन दोनों के लिए। या फिर उपर्युक्तेषु ना कोऽपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो बी सी आंसर है ये वाला, उभयोः, दोनों, दोनों ही यहाँ पर सही रहेगा। कला पक्ष का भी विकास होता है अभ्यास के दौरान, और भाव पक्ष का भी विकास होता है। आगे चलते हैं, क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तस्य अनुसारेण, मतलब कि क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ये बताना है। क्रियाशीलता बालकेषु रुचिम वर्धते, क्रियाशीलता के द्वारा बालकों में रुचि उत्पन्न होती है। क्रियाशीलतायैः छात्रेभ्यः प्रश्नान् पृच्छतु, क्रियाशीलता के द्वारा छात्रों, क्रियाशीलतायैः छात्रेभ्यः प्रश्नान् पृच्छतु। तो क्रियाशीलता जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर छात्राः साहित्यिक कार्यक्रमेषु भागं गृह्णन्तु, छात्र साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। या फिर उपर्युक्त सर्वे, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार पूछा है, तो ये सभी के सभी सही हैं, और सभी ऑप्शंस में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, तो उपर्युक्ताः सर्वे सर्वैः ठीक रहेगा। आगे दिया हुआ है, बालकानां रुच्याः आवश्यकतानां च अनुसारेण एव पाठ्य सामग्री तस्याः शिक्षणं प्रणाली प्रणालीनां च चयनं कर्तव्यम् इति प्रतिपादितम्।
देखिए, एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत में इस प्रकार से कहा गया है कि बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार, देखिए, और अपन ने कहाँ से लगाया, ये चा था ना जो यहाँ आ गया, चा आगे, तो बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही, ये मतलब ही पाठ्य सामग्री तस्याह उसकी शिक्षण प्रणालीम चा, और उसकी शिक्षण प्रणाली का, प्रणालीम मतलब प्रणाली नाम मतलब प्रणाली का, चयनम चयन कर्तव्य मतलब चयन करना चाहिए, इति प्रतिपादितम। तो ये कृष्ण प्रतिपादित किया, आप पूरा देख लेते हैं क्या कहा है प्रश्न में। बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणाली का चयन करना चाहिए, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, ये किसने कहा था, या फिर ये किस सिद्धांत के अनुसार है। क्रियाशीलता यही है सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार है। अभिप्रेरणायाः रुच्याः च सिद्धांत, अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के अनुसार है, या फिर अभ्यासस्य सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार है, या फिर अनुकरणस्य सिद्धांत, अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ध्यान से प्रश्न को समझना है और उत्तर देना है। देखिए, रुचि अपन को ऊपर दिख गया था, तो जब ऊपर एक शब्द रुचि दिखा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर भी रुचि है, ये दिखा रुच्या, तो अभिप्रेरणा रुच्याह च सिद्धांत, अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के अनुसार होगा, बी रहेगा सही। अनुकरणस्य सिद्धांतम प्रतिपादितम, जो अनुकरण का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था अनुकरण का सिद्धांत, चैपी जीन ने, सरली ने, वैलेंटाइन ने, या फिर उपर्युक्त सर्वई है, उपर्युक्त सभी ने। तो अनुकरण के सिद्धांत की जब बात आती है तो उपर्युक्त सर्वई है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमूर्तेन मूर्त वस्तुनः साहचर्येण एव बालकम् शिक्षयते इदम् सिद्धांतम् अस्ति, मतलब कि अमूर्तेन मूर्त वस्तुनः साहचर्येण, मतलब कि अमूर्त और मूर्त वस्तुओं के साहचर्य से ही, साहचर्य के द्वारा ही बालक सीखते हैं। तो यह सिद्धांत है किसका है, भाषा शिक्षणम भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, विज्ञान शिक्षणम विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है, इतिहास शिक्षणम इतिहास शिक्षण का सिद्धांत है, या फिर गणित शिक्षणम गणित शिक्षण का सिद्धांत है। तो क्या होगा सही उत्तर, ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, सीधी सीधी बात है। अमूर्त वस्तुओं का मूर्त वस्तुओं के साथ साहचर्य, जो फर्स्ट रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षायाः उचित वातावरणम, मतलब कि कक्षा का उचित वातावरण पठने अवरोधम करोति, पठन को अवरोध करता है, शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासम विकाशयति, शिक्षक के और छात्र के बीच में आत्मविश्वास को विकसित करता है, कल्पना शक्तयाः विकाशाय आवश्यकम नास्ति, कल्पना शक्ति के विकास में आवश्यक नहीं है, छात्राणाम कृते आवश्यकम नास्ति, छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है। क्या होगा सही उत्तर, कक्षायाः उचित वातावरणम, मतलब कक्षा का जो उचित वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला बी, शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासम विकाशयति, मतलब कि शिक्षक और छात्र के बीच में आत्मविश्वास को विकसित करे, इस प्रकार का वातावरण वहां पर होना चाहिए। आगे चलते हैं। सुसंगतम या फिर सुसंगत लेखनाय आवश्यकम अस्ति, सुसंगत लेख के लिए आवश्यक क्या है ये बताना है। व्याकरणस्य ज्ञानम व्याकरण का ज्ञान, शब्द ज्ञानम शब्दों का ज्ञान, ए और बी उभयोः दोनों, या फिर उपर्युक्ते ना कोपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या रहेगा सही उत्तर। सुसंगतम लेखनाय आवश्यकम अस्ति, सुसंगत लेख के लिए आवश्यक क्या है, सही उत्तर क्या रहेगा, उभयोः दोनों, व्याकरण का ज्ञान भी जरूरी है और शब्द का ज्ञान भी जरूरी है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाँ पर दिया है वही है बिल्कुल स्वयं, सुसंगत लेखनस्य या फिर सुसंगत लेखनम अस्ति, यहाँ ये कर लें आप, सुसंगत लेखनम अस्ति, सुसंगत लेख क्या है, तो भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षणस्य महत्वम भाषा शिक्षण का महत्व है, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतम भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, या फिर ना कोपी कोई नहीं है। तो सुसंगत लेख की जब बात आती है तो एक ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ये फर्स्ट रहेगा सही, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितुम, मतलब कि भाषा के पठन की योग्यता के विकास के लिए क्या करना होगा,
वक्ता आत्मविश्वासेन विषय वस्तुम पठेत, मतलब कि जो वक्ता है वो आत्मविश्वास से विषय वस्तु को पढ़े। दूसरा, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणेन पाठनम कुर्यात, विश्लेषणात्मक दृष्टि से पाठन करे, या फिर पठनेन सह प्रश्नान अपि चिंतयेत, पढ़ने के साथ प्रश्नों का भी चिंतन करे, या फिर उपर्युक्ताः सर्वैः, उपर्युक्त सभी। तो भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितुम्, भाषा के पढ़ने की योग्यता के विकास के लिए क्या होगा सही उत्तर? डी, ये रहेगा सही, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हैं वो सही लग रहे हैं। आगे चलते हैं, या फिर सही हैं। आगे, भाषायाः माध्यमेन बालकः, भाषा के माध्यम से बालक क्या करता है? पठितुम शिक्षयति, पढ़ने के लिए शिक्षित होता है। लेखितुम शिक्षयति, लिखने के लिए शिक्षित होता है। या फिर उभयोः दोनों, उपर्युक्तेषु कः अपि न, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पढ़ने के लिए भी शिक्षित होता है और लिखने के लिए भी शिक्षित होता है। कैके द्वारा, भाषा के माध्यम से। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, मानवस्य जीवने भाषायाः किं महत्वम् अस्ति, मानव के जीवन के लिए भाषा की क्या आवश्यकता है? क्या होगा सही उत्तर? भाषा संप्रेषणस्य माध्यम अस्ति, भाषा संप्रेषण का माध्यम है अपना आदान प्रदान करने का। ज्ञानार्जनस्य साधनम् अस्ति, ज्ञानार्जन का साधन, ये भी ठीक है। संस्कृत्याः सभ्यतायाः विकासे सहायकम् अस्ति, संस्कृति और सभ्यता के विकास के विकास में सहायक है। या फिर उपर्युक्ताः सर्वैः, उपर्युक्त में से सभी। तो यही रहेगा अपना सही उत्तर, उपर्युक्तेषु सभी, या फिर उपर्युक्ताः सभी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा होगा आप लोगों का। आप लोग पेपर की डेट आगे बढ़ने से ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि डेट तो आगे बढ़नी ही थी, क्योंकि जब CET जैसी परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ चुकी है तो अपनी तो ये बढ़नी ही बढ़नी थी। आप लोग तैयारी करते रहें और अपने टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, सुविज्ञा सुनील जैन नाम से है, और जो फेसबुक पेज है अपना, फेसबुक पेज भी इसी नाम से ही है, MPTET 2020 नाम से, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ें, फेसबुक ग्रुप है, तो और भी कुछ अच्छा हो सकेगा। और आप लोग तैयारी बंद ना करें बस। और एक बार और आपसे यही कहूँगा कि जो चैनल अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो कहीं लगे नहीं हैं, केवल ऐसा है कि वीडियो डालना है बस, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन लाए और पढ़ के डाल दिए, तो ऐसा आप लोग ना सोचें। आप उन चैनल्स पे ही जाने की कोशिश करें जहाँ पर ऐसे लोग पढ़ाएं जिनकी किसी में नौकरी लगी हो, या फिर उस फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि मैंने कई जगह कई लोगों को ऐसा देखा कि इस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है पढ़ाने से कुछ भी, और ना कहीं कुछ है। उन्होंने देखा कि चलें इसमें कुछ पैसे की कमाई है, नोट्स बेच देंगे अपन, एक दो वीडियो डाल करके लोग देखेंगे बस, तो फिर ऐसा करने लग जाते हैं लोग पैसे कमाने के लिए। तो आप लोग ऐसे बिल्कुल दूर रहें और अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।